सो माड़ा जिहा माण मिल जाए बंदा बदल जाता है। पर गुरमत की पढ़ाई कुछ होर है। जदों रविदास महाराज नूं हाथी ते बिठाया जय जयकार होई, राजे ने कहा चौर चलाओ रविदास ते। उदों रविदास जी पता की कहिंदे, हंकार नहीं हमें नहीं सानू सिखाया, जदों तुहानू दुनिया विच कदे माण मिले जिन्हें वड्याई दित्ती उहदा शुकराना करो। प्रेम विच भिज के कहिंदे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, रब्बा तेरे तो बगैर इन्ना माण कौन दे सकदा है। जेड़ा पंडित ते राजा बादशाह मत्था टेकदे ने, इत्थे 10 फुट दूर खलो के जोड़ा सुट रहा सी, जोड़ा गंढ दे, इन्हें ते मेरे हाथ दा कसीरा सिक्का लैके उन्हूं गंगा दे जल दा छट्टा दित्ता, पिटिया ना जावां। अज किने हाथी ते बिठाया, अज कौन चौर चलाउंदा है, अज कौन फुल्लां दी वर्खा कर रहा है। वो अकाल पुरख रब करदा ते हुंदी है। प्रेम विच भिज के कहिंदे, ऐसी लाल पढ़ो तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसइयां मेरा मथे शतर दरे, जाकी शोत जगत को लागे तां पर तू ही डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। ए उदी वड्याई है सा संगत। फिर उदे प्यार विच भिज के कहिंदे ने, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे, गज के पढ़िया करो, बहुत जन्म बिछरे थे ये जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास सास लग जीवो चिर भयो दर्शन। फिर वो रब दे प्यार वे सास संगत, जदों आप पूरी कहानी बरती ना, कंशी बनारस दीनपुर तक रौला पै गया कि किसे रविदास नूं हाथी ते बिठा के परिक्रमा कीती राजे ने। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। पर जदों आके वेखे उही छन, उहीओ कुल्ली, उहीओ जोड़े गंढण वाले औजार, ते बड़ा हैरान हो गया। राजे चेले होण ते रहिंदे छन विच होण साध संगत, क्योंकि जिहदे चेले राजे हो जाण उहनां दे मंदर पक्के हो जांदे ने। पर रविदास महाराज दी उहीओ छन ते उहीओ कम, आके राजे ने नमस्कार कीती, मन विच कई सवाल। रविदास जिया ने नेत्र खुले प्यार नाल पुछया, आओ राजन जी आया नू दसो किवें आए हो। ते चितौड़गढ़ दा राजा पीपा बोलिया, कहिंदा जी मैनू भी रब नाल मिला दिओ, मैं रब नाल मिलण दी इच्छा रखदा है, मैनू रब नाल मिलाओ। सुनिया तुसी रब नाल मिले हो, सुनिया तुहाडे विच ते रब विच भेद नहीं, रविदास जी मैनू भी रब नाल मिला दिओ। ते अगों रविदास जी ने कहा, राजन हुणे ही मिलणा है। बड़ा हैरान होया, रब इन्ना नेड़े भी हो सकता है, किसी नूं कहीए हुणे ही मिलना है, इहदा मतलब कोले ही है। भगत रविदास जी बोले, हुणे ही मिलना है। राजा बड़ा सोची पै गया, हैरान होके कहिंदा, जी हुणे मिला सकदे हो? कहण लगे, बिल्कुल राजन हुणे ही रब नूं मिलना है, क्योंकि कहो रविदास हाथ पै नेरे सजे हुए सोई। रब तो हाथ नालों भी नेड़े, कहने हुणे ही मिलना है। राजा हैरान होके कहिंदा, मिला सकदे हो? कहण लगे, बिल्कुल। ते हाथ जोड़ कहिंदा, जी मिला दिओ। रविदास जी कहिंदे, लियाओ फिर दोवें हाथ करो, पहला तुहानूं प्रसाद छकाईए, पहला तुहानूं कोई दात दईए, हुणे मिला देने। जदों राजे ने दोवें बुक्कां इस तरह कीतियां, जिहड़े उस मिट्टी दे भांडे विच टुटे जोड़िया दी छिपरां सी ना, चुला भर के रविदास जी ने कहा, पहला छको राजन फिर मिलाउंदे। हुण घिरना पैदा हो गई, गंदा पानी पिलाउण लगा है। राजे दे मन च आया, मैं कित्थे फस गए, रब नूं मिलने ते गंदा पानी पिलाउण लगा है। हुण मन विच घिरना आई,
बस वो साध संगत यक लगत पल दो पल भी खेड़ हुंदी है। रब कोई दूर नहीं कौर विदास हाथ पे नेरे सजे होए सो होई। इनू बाबा फरीद साहब कहंदे टुक दम करारी जो करो हाजर हाजूर खुदाए। अद्धे दम विच रब हाजर है कोई मन ले अंदर साध संगत जदों चुला भर के कहना छको बस करना आ गई गंदा पानी अपने हाथ विच पुआ ते लिया बुक विच मुंह तक लिजांदियां लिजांदियां डोल लिया कुछ ना पीता। रविदास जी बिल्कुल खामोश हो गए। राजा उठ के टुर गया रस्ते विच गल्लां करदे बच गए। गंदा ही पानी पिलाउण लगा सी गंदे जोड़िया वाले ये भी कोई रब नूं मिलदा तरीका। चला गया चितौड़गढ़ रियासत वापस जांदिया अपनी राजिआं वाली पोशाक उतारी उतार के सुट के कहिंदा ये धोबी नूं दान कर दिओ। उहदे उत्ते साध संगत टुट्टे जोड़िआं दा तुसीं वी वेखोगे चमड़े का पानी हो गया दाग पै जाने कपड़े दागी हो गया कपड़े चौ लग गए धोबी नूं दे दिओ। लै गया धोबी घर घरवाली नूं कहिंदा भागवान ने आ पोशाक चंगी तरह धो के रखी क्यों स्वामी। कहिंदा राजे ने आपां नूं देती कितें विआह शादी ते पाया करांगे राजिआं वाले कपड़े ने। धोबी के घरवाली धोबण ने धोंदिआं ऐसा उहदे विचों खुशबू सुगंधी आई जदों उहनूं धोंदिआं साफ करदिआं मन च भावना जागी सारी गल धोबी ने दसी। बनारस कंशी गए सी किसी रविदास दे कोल आ कहानी वापरी है। कहिंदे ने उह चौ लथण ना धोंदिआं धोंदिआं उह जल दे दो घुट इक बांह तों चूस के जिवें ही उह धोबण ने अपनी रसना ते चखे बस उह दो घुट छकदिआं सार उत्तों बाद उहदी सुरत रब नाल जुड़न लग पई। उहनूं ब्रह्म दा ज्ञान हो गया। चितौड़गढ़ विच चौं दिनां विच रौला पै गया। धोबी दे घर वाली नूं रब दा ज्ञान है। धोबी दे घर वाली जो कहदे उह सच हुंदा है। धोबी दे घर वाली भविख वी दस दिंदी है। धोबी दे घर वाली तों जो रसना तों निकले उह धोबण दा कहा बोल सच हो जांदा है। रौला पै गया। राजे नूं खबर मिली कहिंदे राजा आया उन्हें पुछया हाथ जोड़ के धोबण नूं तू किहड़ा गुरु धारण कीता है तैनूं इन्ना ब्रह्म दा ज्ञान किवें। ब्रह्म दे ज्ञान च भिज्जी धोबण ने जवाब दिता बादशाह ये किरपा असल विच तेरे ते होनी सी तू किरपा गवा बैठा वो किरपा मेरे भाग जागे ने मैनू मिल गई है। जिहड़ी पोशाक तेरी वो तू मन में सोचिया गंदा पानी है वो गंदा पानी नहीं सी तेरे जन्मा जन्मा दी मैल उदन धोती जानी सी उदन तेरी आत्मा शुद्ध होके रब नाल मिला देना सी तू बड़ी भुल कर गया है। जदों सारी गल राजे नूं पता लगी चितौड़गढ़ दा राजा बड़ा पछताउंदा है मन विच पछतावा लैके बरागी होया सिद्धा चलिया राजस्थान तों चलदिआं चलदिआं बनारस यूपी पहुंचिआ। आके रविदास दे पैरीं ढह के कहिंदा रविदास जी भुल हो गई हुण मैनूं जल छका दिओ। कहिंदे ते गंदा पानी है फिर ते भुब्बां निकल गईआं। नहीं महाराज ये गंदा पानी नहीं मैनू छका दिओ। कहिंदे नहीं राजन हुण भावें पूरे दा पूरा कुंडा पानी दा पी जा हुण इह कुछ भी नहीं ये गंदा पानी है। वह वक्त लंघ गया उह समां तूं कुझा बैठे राजन उदन अपनी कमाई विचों तैनू देण लगे सी हुण तैनू अपनी कमाई खुद करनी पैणी उदन अपनी कमाई चों देण लगे सी हुण तैनू अपनी कमाई खुद करनी पएगी। जा सतनाम हर भोग तुहारे जप अकाल पुरख दा नाम अपनी कमाई कर। राजे ने फिर कमाई कीती जी शब्द दी जप जप के ओइयो राजा साध संगत रब दा ऐसा विराग विच भगत बनिया कि चेते रखियो अज ओइयो राजा पीपा भगत बन के गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च विराजमान। साध संगत असी शब्द तो दूर हो गए असी गुरु के उपदेश तो दूर हो गए। मैनू माफ करो तुहाडे 40-40 साल वाले बंदे बैठे होणगे जिन्हां नूं 40 साल हो गए नगर कीर्तन गुरपुरब मनाउंदिआं 40 साल ते सानू 40 सालां च चार शब्द याद नहीं रविदास दे चार शब्द भी क्योंकि असी उद्दम ही नहीं कीता कि लिखिआ की है असी उहनूं विचारिआ ही नहीं कि है की है। सानू तां इन्ना चाहीदा है वे केड़ा बंदा मुफ्त आटा दाल दिंदा है वोटां उधर पाउणियां ने। साध संगत ये तुहानू विचारन दी लोड़ है ये जिहड़ियां कौमां मुफ्त विच खाण लग जाण मैनू लगदा शायद इहदा गुस्सा ना करिओ तुसीं पढ़े लिखे बैठे क्योंकि दुआबा पढ़े लिखे लोकां दा जिहड़े लोग मुफ्त विच खाण लग जाण कदे इत्ते विचार करके वेख लिओ
जिथे फ्री मिलने लग जाए उत्थे लोग कम करना छड़ देंदे ने, जिहड़े कम करना छड़ देण उत्थे नशे वध जांदे ने। ये पंजाब विच नशे किसे बंदे ने लाए, साडियां अपनियां गलतियां नाल बदे, क्योंकि मुफ्त विच खाण वालियां कौम कमजोर हुंदियां ने। कमजोर लोग जिहड़े मेहनत नहीं करदे उह कमजोर रहिंदे ने, जिहड़े कमजोर होण उह कदे राज कर ही नहीं सकदे। सानूं गुरु ने पहलां दसां नौहां दी किरत दित्ती है, अपनी किरत कर। रविदास जी रब भी हो गए तमी किरत नहीं छड़ी। इत्थे साध संगत चार मर जा कम चलन दी देर है, मेरे वर्गे नूं लोग मत्था टेकन लग जाण, डेरा तां झट खोल लईदा, पुछा ही देणी इहने किहड़ा कोई औखा कम। साध संगत इहनां चीज़ां तों बचना पएगा। दसां नौहां दी किरत करो, अकाल पुरख दा नाम जपो, अपने घर विच उठदिआं सार पहलां जपिआ करो सतनाम श्री, गज के आखो सतनाम श्री। ये हुण शब्द असी ना आले दुआले लैण लग पए, गुरु दा दित्ता शब्द। वड्डे वड्डे राजे सतनाम हर भोग तुहारे, रविदास कोलों सतनाम लैके वड्डे वड्डे राजे भगत बन गए। आपां 40-40 साल तो दिन मना रहे, आपां कित्थे खलोते।